नमस्कार दोस्तों, PLCRDHM एजुकेशन चैनल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना और जो ये बेल आइकन घंटी है उसको दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा। तो दोस्तों, इसमें बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख यानी कि जो ठंडा महसूस होता है वो इसलिए होता है कि जो हमारे चारों ओर हवा में गति होती है उसको लाकर पंखा है जो शरीर के पसीने के वाष्प में वृद्धि कर देता है, तो इस कारण है जो हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लोन किसका बहुलक है? तो टेफ्लोन है वो ट्रेटा फ्लोरोएथीन का बहुलक है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन है राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा है वो रेयान है, रेयान एक संश्लेषित रेशा है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कांच पर लिखने के लिए है जो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से है जो नमक है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, तो अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तब हमें अधिकतम पसीना आता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ काम में लिया जाता है वो कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल है वो काम में लिया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना है, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी के अंदर हरा रंग है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में ठंडा रहता है क्योंकि? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो तालाब के जो ऊपरी सतह होती है उस पर जल है वो गर्म दिनों में ठंडा रहता है, इसका कारण है सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, जो सतह का जल होता है वो वाष्पित होता रहता है, इस कारण वह ठंडा हो जाता है। तो जो तालाब की ऊपरी सतह है उसका जल है जो गर्म के दिनों के अंदर ठंडा होता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर, तो वायु द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। जो पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है वो हाइड्रोजन पराक्साइड है, और हाइड्रोजन पराक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O2 होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो इनमें से जो क्रोमियम है वो सभी रंगीन यौगिक बनाने वाला तत्व है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा है जो अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक
तो जल का क्वथनांक है वो हमेशा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो जो अवरक्त तरंगे होती है उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे लंबी होती है, और इनकी तरंग दैर्ध्य का मान है वो 7.8×10^-7 m से 10^-3 m होता है, और इसकी खोज है अवरक्त जो तरंगे होती हैं उसकी खोज हर्सेल वैज्ञानिक ने की थी, तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन है, और सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना है वो सोना अमल राज के अंदर घुल जाता है, तो अमल राज सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अमल राज का जो रासायनिक सूत्र है वो HNO3+HCl है, अमल राज का रासायनिक सूत्र, तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, DSLi में प्रयुक्त तो होता है, तो DSLi के अंदर है वो लाल फॉस्फोरस प्रयुक्त होता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है, तो युद्ध के अंदर जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है ल्यूसाइड, वो एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि तो इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडार का प्रयोग, तो रेडार का प्रयोग है वो वायुयानों जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारित करने हेतु करते हैं रेडार का प्रयोग, तो सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सीमा सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण होगा प्रकाश का ऋजुरेखीय जो संचरण है उसके कारण है, जो एक छोटा छिद्र है वो कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो दोस्त मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो दोस्तों इसके अंदर जो बी ऑप्शन है इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, तो इसके अंदर लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन नामक एंजाइम है, टाइलिन नामक एंजाइम है वो जो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन में टाइलिन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो पेट्रोल के अंदर जो विषैला मिश्रित पदार्थ है वो टेट्रा एथिल लेड है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क धुलाई के काम आता है, तो शुष्क धुलाई के काम आने वाला पदार्थ वो बेंजीन है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के काम आता है वह है बेंजोइक अम्ल, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, बेंजोइक अम्ल को दवा बनाने के काम में लेते हैं, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंदर सूर्य का जो क्रीट यानी कोरोना भाग है वो दिखाई देता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के अंदर लोहा उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाने वाला किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला जो पदार्थ होता है यानी कि जो चीज़ होती है वो फेरस सल्फेट
रासायनिक पदार्थ होता है वो नीले स्याही बनाने के काम में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेयान रेशे हैं वो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार है वो 10^-15 मीटर है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। काफ़ी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब समतल दर्पण की ओर हम 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ दिखाई देता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे की अगल बगल की दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देंगे वो अनगिनत यानी अनंत होंगे। और दो समानांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो इस डी ऑप्शन राइट होगा। जो अनंत प्रतिबिंब बनने का कारण है वो सूत्र, उसका निकालने का सूत्र होता है वो 360/0° है, तो इसमें है जो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के ऊपर निर्भर करते हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो इनमें से विटामिन B12 है उसका जलीय विलयन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं, इसे कोबाल्मिन यानी कि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, तो मोटर वाहनों के अंदर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण काम में लिया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। और उत्तल दर्पण सोडियम परावर्तक जो लैंप होते हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण है, कार के हेड लैंप के अंदर जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो परावलिक अवतल दर्पण होता है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का भाग, तो उसके पेंसिल का भाग वो जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होगा और यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है, और प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण जो जो परिवर्तन होते हैं वो है वो तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, और जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन के कारण होता है, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी दिखाई देना भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण ही है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा विलेय होते हैं, तो वसा विलेय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होती है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिप्रिन बनाई जाती है, एसिप्रिन है वो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है, तो इसके अंदर भी बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिप्रिन का रासायनिक नाम है, तो एसिप्रिन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटाइल सेलिलिस अम्ल है, डी ऑप्शन राइट होगा। एसिप्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल एसिप्रिन का रासायनिक नाम है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जनरल साइंस से संबंधित थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़।